दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फोन पे का यूपीआई पिन कैसे चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों जब भी हमें फोन पे से पेमेंट या रिचार्ज करना होता है तो हम अपना फोन पे का यूपीआई पिन जो 4 डिजिट का होता है वो डालकर कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें किसी भी कारण से उस यूपीआई पिन को चेंज करना होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फोन पे का यूपीआई पिन कैसे बदल सकते हो, कैसे चेंज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में ओपन कर लेंगे फ़ोन पे ऐप को। तो ये है मेरे फ़ोन में फ़ोन पे, मैं इसे ओपन करता हूँ। सो गाइस जैसे आप फ़ोन पे ओपन करते हो उसके बाद में ऐसा इंटरफेस आ जाता है ना। तो अभी आपको एक नीचे एक माई मनी का ऑप्शन मिल जाता है ये वाला, तो अभी आप यहाँ पे माई मनी पे टच कर देना। चलिए मैं यहाँ पे माई मनी पे टच करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जैसे आप माई मनी पे टच करते हो आप थोड़ा नीचे आना तो इसमें आपको पेमेंट्स वाले ऑप्शन में आपको एक यूपीआई का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा यूपीआई बैंक अकाउंट्स का, ओके। तो ये आप देख सकते हो। तो अभी आप यहाँ पे बैंक अकाउंट्स पे टच कर देना ये। तो चलिए मैं इस पर टच करता हूँ। गाइस जैसे आप टच कर देते हो यहाँ पे आपने जो भी बैंक फ़ोनपे में लिंक करा होगा वो बैंक नेम यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो अगर आपने एक लिंक करा है तो आप उस पर टच करना, अगर आपने 2 3 4 लिंक करा है तो आप जिसका भी यूपीआई पिन चेंज करना चाहते हो उस पर क्लिक करना। तो मेरे फ़ोनपे से मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक लिंक है तो ये दिखा रहा है। तो चलिए मैं इस पर टच करता हूँ। तो ये आप देख सकते हो सिंपल ये जो ऑप्शन है या नीस बैंक पे आप यहाँ पर टच करना। सो गाइज मैंने टच कर दिया। जैसे आप टच करते हो तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आपकी बैंक की पूरी डिटेल आ जाती है, ये आप देख सकते हो, ओके। ऊपर ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यूपीआई पिन 4 डिजिट यूपीआई पिन, ओके। तो यहाँ पे सामने आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, पहला आपको मिल जाएगा रिसेट का और दूसरा आपको मिल जाएगा चेंज का। तो अभी आपको अपना यूपीआई पिन पता है और आप चेंज करके एक दूसरा यूपीआई पिन बनाना चाहते हो तो आप चेंज पे क्लिक कर देना। रिसेट का ऑप्शन उनके लिए है जिन लोगों को यूपीआई पिन पता ही नहीं है, तो वो रिसेट पे क्लिक कर सकते हो, ओके। तो आपको यूपीआई पिन पता है, आप चेंज करके दूसरा यूपीआई पिन रखना चाहते हो तो आप चेंज पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं चेंज पे क्लिक करता हूँ। गाइस जैसे आप चेंज पे क्लिक करते हो उसके बाद में यहाँ पे आपसे इंटर यूपीआई पिन बोला जाएगा। तो करंट टाइम में अभी का जो भी आपका यूपीआई पिन है उस यूपीआई पिन को आप डाल देना। सो गाइज ये आप देख सकते हो मेरा जो यूपीआई पिन है वो मैंने इंटर करा। उसके बाद में नीचे आप यहाँ पे सेटअप यूपीआई पिन पे क्लिक करना है। और दोस्तों आपका जो भी नया यूपीआई पिन आप बनाना चाहते हो, मतलब कि ये तो आपका ओल्ड अभी का यूपीआई पिन डाला है, अब आप चेंज करके जो भी नया यूपीआई पिन फ़ोनपे का बनाना चाहते हो, फ़ोनपे पर रखना चाहते हो, वो आप इसमें डालना। तो चलिए मैं एक न्यू डाल देता हूँ। तो मैं ये डाल दिया नया, उसके बाद में मैं यहाँ पर सही वाले ऑप्शन पर नीचे क्लिक करता हूँ। आप नीचे क्लिक कर देना, फिर अभी आपने जो नया पिन डाला होगा पहले उसी पिन को दोबारा डाल के कन्फर्म करना है। सो गाइज मैं यहाँ पे दोबारा डाला, उसके बाद में मैं सही पे टच करता हूँ। गाइज जैसे आप सही पे क्लिक करते हो प्लीज़ वेट ऐसा ऑप्शन आएगा और यहाँ पे नीचे आपको पॉपअप में मिल जाएगा सक्सेसफुली अपडेट योर यूपीआई पिन, ओके। तो अभी आपका यूपीआई पिन चेंज हो जाएगा, बस बिल्कुल ही छोटा सा प्रोसेस है। अब आपको सिंपल बैंक आना है और ये आप देख सकते हो यूपीआई पिन इज सेट फॉर पेटीएम पेमेंट बैंक्स एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब कि आपके फ़ोनपे का यूपीआई पिन चेंज हो चुका है। इस प्रकार से आप चेंज कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोनपे का यूपीआई पिन चेंज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आओ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं और मैं आपसे मिलूंगा ऐसे ही नई एक्साइटिंग यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।